है एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल दिल्ली की ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स तो आप लोग जरूर अच्छे होंगे। और देखिए धूप तो बहुत सारा हो रहा है, मेरा नहाना धोना हो गया और सुबह का टाइम तो बहुत जल्दी रहना पड़ता है, तो सो इसीलिए जो कुछ है। और मुझे कोई कमेंट किए थे, दो तीन टाइप का आप टॉप कीजिएगा तो मैं कर रही हूँ। और फिर जो हमारे चैनल को नहीं मुझे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ। तो चलिए मैं हैंकी टॉप कर रही हूँ, इतने नज़दीक में करूँगी। देखिए तो एक है, एक है और ये दो टाइप का है। तो मुझे बार बार बोल रहे हैं ओपन टॉप करके आप काम करो, जो हैंकी दिखाई देगा तो मैं ओपन टॉप करके काम कर रही हूँ लंबा सा। और किचन में काम है मैं करती हूँ, चलिए किचन चलते हैं। आज मैं राजमा बनाऊंगी, उसको तो मैं उबाल दी हूँ और मसाले को भी मैं फ्राई की हूँ, उसका ग्राइंडिंग करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और भी बहुत काम है, बेडशीट को भी लगाना है बेड पर, वो सब करूँगी आप लोग को दिखाऊंगी। चलिए मैं चलती हूँ किचन चलते हैं, किचन में काम है। तो मैं मशरूम, आज भी मशरूम था, मशरूम में बना रही थी, वो बनने वाला था। और चावल भी मैं बैठा दी थी और ग्राइंडिंग करने के लिए मसाले को देखिए मैं ग्राइंड करके रखा, सॉरी मैं फ्राई करके रखी थी, इसको ग्राइंडिंग करूँगी। तो भुना हुआ मसाले को मैं ग्राइंडिंग कर रही हूँ, देखिए। राजमा को उबाल के रखी थी और ये वाला येलो वाला मसाले देखिए इसके साथ मैं करूँगी। जो मैं भुना हुआ मसाला, मसाले में तो सब कुछ मसाले डाल दिया था, प्याज टमाटो सारे मसाले पाउडर दे दिया था, स्पाइसी सब दे दिया था। तो थोड़ा सा तेल और जीरा डाल के मैं उसी मसाले को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। थोड़ा सा फ्राई करके जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा उसी टाइम में जो हमारा राजमा को मैं बॉईल करने के लिए दिया था हमारा प्रेशर कुकर में, और दो चार पांच सीटी आया था, रात में भिगो के रखी दी थी मैं, तो जो बहुत कम मैं भुनी हूँ। और देखिए हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, मैं भून लिया था ना इसीलिए। और देखिए जो दूध को भी उबालने के लिए मैं दूध जो पतीला बैठाई थी और उसमें जो हमारा दूध है दूध को छान रही थी। उसके बाद मैं जो बेडरूम गई थी, बेडरूम के बेड शीट में लगाऊंगी बेड के ऊपर। Thank you.
बेड लगा लिया, बेडशीट लगा लिया। उसके बाद जो मैं जो हमारा राजमा बिठाई थी वो भी हो गया था, तो बहुत कम समय में हो गया। मैं ट्राई करके रखती देखिए हूँ तो राजमा भी मसाला, तो बन गया देखिए कैसे लग रहा है। यम्मी और लग रहा है राजमा दूध चावल, भी उबल और रहा है। देखिए दूध को भी उबाल रही थी। उसके बाद जो हमारा मछली, मेरे जो भतीजा मछली, हम मछली का हमारा प्रोग्राम नहीं था, तो भतीजा मछली लेके आई थी, और बहुत दुख की बात है बाबा। तो कढ़ाई में चढ़ा दी थी, और जो हमारा क्या बोले, हम बेसन डाल के थोड़ा फ्राई करके ही हम खाने वाले थे, इसीलिए मैं फ्राई करके रख दी थी। फ्राई होने के बाद ही ससुर जी को पहले दे दिया था, और तो गर्मा गर्म खाने को पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं फ्राई करने के बाद ही उनको दे दिया था। और बेटी बोली चलो फ्राई ही खाऊंगी, तो वो भी खाई थी एक पीस, मैं भी एक पीस खाई थी। उसके बाद क्या हुआ आगे वीडियो में बता रही हूँ, तो आगे आप देखिएगा। उस टाइप का मैं मछली को भी फ्राई करके रख दी थी, और कितने मज़े से खाने वाले थे। क्या हो गया तो आप देखिएगा। तो देखिए मछली को मैं फ्राई कर रही हूँ, बहुत कम था वो चीज़ें लेके आए थे, तो उसको फ्राई हो गया। फ्राई होने के बाद मैं जो कढ़ाई को, जो लोहे की कढ़ाई में फ्राई करोगे तो बहुत अच्छे से फ्राई होता है, तो कढ़ाई को मैं जो सीख में दे दिया। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म को, उसको मैं जो ताज़ा को, उसको मैं अच्छी तरह से पोछ लेती हूँ, और चूल्हे को भी, और सारे ऐसे सर पानी से पोछ लेती हूँ। जब नॉन वेज होता ना पोछा लगा दे तो अच्छा रहता है, तो मैं जल्दी अलमीरा से, अलमीरा में मेरा जो मछली को रखने गई थी वो रख दी थी। तो क्या हुआ मछली को तो आगे मैं बता रही हूँ, तो देखिएगा। और मैं ऐसे साफ कर रही हूँ, जब मैं नॉन वेज करती हूँ ना ऐसे सर्फ से, जो दीवार को भी साफ करती हूँ, टाइल्स को भी। तो चलिए मैं ससुर जी को इंजेक्शन दूंगी। उनका पेन हो रहा है ना, कमर दर्द हो रहा है मुझे, 2-3 दिन से बोल रहे हैं कमर दर्द हो रहा है मुझे। मैं स्प्रे दे रही हूँ, जो मूव स्प्रे, डाइक्लोविन स्प्रे दे रही हूँ, फिर भी नहीं कम हो रहा है। तो मैं चलो सोचती हूँ एक इंजेक्शन दे रही हूँ, पेन की और इंजेक्शन दे दूँगी, देखती हूँ क्या होता है। अभी बुढ़ापे में उनका जो कमर दर्द रहेगा ना अच्छा नहीं होगा, सो इसलिए मैं इंजेक्शन देने जा रही हूँ, आपके सामने मैं दूंगी, आप लोग देखिएगा। बोथा इंजेक्शन दे देवा, बोथा इंजेक्शन दवा दियो, अंटार दियो इंजेक्शन दे दीबी। ससुर जी जो सुन नहीं पाते हैं ना, बहुत जोर से आवाज करके बात करना पड़ता है, तो वो सोए हैं। मैं बोल रही हूँ बार बार इंजेक्शन दूंगी, तो सुन नहीं पा रहे थे, आवाज में जोर से कर रही थी। नहीं आसी नहीं दियो, सुओ 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 भी ऐतर डेरी करता की है लगे जो अब दियो ना सुओ छे काम उठिबो आउ से बड़े मुंह कर सुओ, से बड़े मुंह कर सुओ सुओ हां से दी सुओ, से बड़े मुंडाटा कर भी सुओ, देखो मुंडाटा बाजिबो थी। हां तो देखिए मुझे नर्स का काम भी करना है, मैं तो पेन क्योर भी मैं लगा रही थी, इंजेक्शन दे रही थी ससुर जी को, पेन हो रहा है ऐसे बोल रहे थे ना, इसीलिए। उसके बाद कपड़े तो सूख गया था, कपड़े को भी मैं बाहर लेने गई थी। आज तो बहुत धूप है, बहुत ज़ोर से धूप हो रहा था, मतलब दिमाग ख़राब है। अभी भी मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ, अभी तक तो हमारा रूम सारे गर्म है,
और ऊपर से हमारा यहाँ करंट अप डाउन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है सच में ऐसे करंट अप डाउन होने में। कपड़े को लेके आ गई, रख दी थी, उसके बाद हम खाना खाए। देखिए जी भी, मैं माच को जो हमारा फिश को माच को मैं भाज के गई थी, सौंप गई थी। बिल्ली बिल्ली मौसी ने आके सब कुछ खा डाली, सब कुछ खा लिया। देखो मैं दिखाती हूँ, देखिए कुछ भी नहीं रख दी। देखिए देखिए बिल्ली मौसी सब कुछ खा दी, कुछ भी नहीं रख दिया, सब कुछ खा दिया। हम कितने मजे से उसको फ्राई करके रख के गई थी, मुझे आने में देर होगा इसीलिए मैं फ्राई करके चली गई थी। वो सब कुछ खा दिया, उतना ही कांटा रख दिया। कांटा को क्या करूँगी, कांटा को मैं क्या करूँगी बोलो। बिल्ली को मैं जहाँ पाऊँगी दौड़ा दौड़ा के मारूँगी साले बिल्ली को, बिल्ली मौसी को। क्या कर दिया, खाने का मन कर रहा था, हम खाने वाले थे मजे से आज संडे को। बिल्ली मौसी सब खा दिया। ओके फ्रेंड्स, बिल्ली मौसी तो सब खा गई, हम क्या खाएंगे। हम आज राजमा और मशरूम भी की थी और कुछ की थी शायद, हाँ की हूँ, उसको हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। बिल्ली मौसी ने तो सब खा ली और हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो जो आप लोग सब रिक्वेस्ट किए ना, वो तो धीरे धीरे से मैं फुलफिल करूँगी, तो वेट कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी ही धीरे धीरे से करूँगी, जल्दी मतलब करूँगी शेयर। तो अगले अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।